नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने पिथौरागढ़ पहुंचकर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने जिले में अधिकारियों से मिलकर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है। साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावितों को जल्द ही राहत पहुँचाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र धारचूला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीसैनी एयरपोर्ट पर ही जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में पिछले दिनों हुई बारिश से नुकसान का ब्यूरो लिया। वहीं उन्होंने सभी अधिकारियों को बरसात में ध्वस्त हुई सड़कों और पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी आपदा प्रभावितों को तुरंत राहत देने की भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा की इस घड़ी में उन्हें केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस आपदा से निपटने के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ आपदा प्रभावितों से मुलाकात करने प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। देखिए, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और धीरे धीरे हमारा ये काम चल रहा है कि जो नुकसान हो गया है, जो सड़कें बंद हैं, उनको जल्दी से जल्दी खोला जाए, पुनर्निर्माण के कार्यों में गति आए। अभी अभी हम लोग कोरोना की जो मार थी उससे उभर ही रहे थे कि अब ये सबसे बड़ा नुकसान इस बार हमारा ये, इसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, हमारी केंद्र सरकार का, उन्होंने पूरा आकलन करने के लिए यहाँ पर टीम भेजी हुई है और टीम भेजने के बाद और तेज़ी लाएंगे हम। अपने सारे संसाधनों का उपयोग करके जल्दी से जल्दी सभी व्यवस्थाओं को सामान्य करेंगे। सरकार की सारी व्यवस्थाएं लोगों तक पहुँचे, कोई इस आपदा की घड़ी में किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो, इसलिए मैं स्वयं और हमारे सारे मंत्रीगण और सारे विधायकगण, हमारे संगठन के सारे लोग अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और सेवा के कार्य में लगे हैं, सहायता कर रहे हैं, लोगों को इसमें से निकालने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।